Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा सोप जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. आपकी स्किन में अगर ड्राई पैचेस हैं तो उसे भी ये दूर करता है और जितनी भी आपकी स्किन में ड्राई रिलेटेड इश्यूज हैं आपकी स्किन पे तो वो इसे ये सॉल्व करता है. और ये जो सोप है इसे आप विंटर सीजन में तो बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसका फुल फायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम आपसे बहुत ही ज्यादा दूर रहेंगे इस सोप से. और ये जो सोप है ये सोप कुछ इस टाइप का दिखता है. ये केसर सोप है विथ शिया बटर. तो इस सोप में शिया बटर है, केसर है, आलमंड ऑयल है और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं. और ये विंटर सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सोप है. ये सोप जो है इसे आप फेस पे यूज कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं. स्पेशली इस सोप को बनाया गया है के फेस के लिए. अब चाहे तो आपकी अगर बॉडी भी बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है विंटर सीजन में, और सबकी ड्राई ही रहती है स्पेशली विंटर सीजन में, हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सोप है आपकी ड्राइनेस को दूर करने के लिए. ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे जरूर यूज करें. ये जो सोप है इसे मैंने घर पर नहीं बनाया है, इसे मैंने परचेज किया है. और मैंने जहां से इसे परचेज किया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मेंशन कर दूंगी. ये एक इंस्टाग्राम पेज से मैंने परचेज किया तो मैं वहां का इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स होंगी उससे रिलेटेड तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी. आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा, अगर आपको ये चाहिए होगा तो ये सोप आप देख सकते हैं. इसमें जो येलो पार्ट नजर आ रहा है वो केसर की वजह से, इसमें बहुत सारे केसर थे पहले बट ये जब मैंने यूज करना स्टार्ट किया तो इसके जो कुछ केसर हैं वो जो निकल चुके हैं. तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि यूज करना पड़ता है, यूज करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ. और ये आपको कम से कम 2 से 3 महीना तो ये चल ही जाएगा. अगर आप सिर्फ फेस पे यूज करें तो बॉडी में भी यूज करें तो 2 महीना तो आपका ये चल ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ. ये बहुत ही अच्छा सोप है. मेरी स्किन पर ड्राई पैचेस हो गए थे जैसे मैंने एवॉन के फेस वॉश में रिव्यू किया था और बताया था कि मेरे स्किन पे ड्राई पैचेस हो गए थे एवॉन के फेस वॉश की वजह से. तो ये उसे बिल्कुल ही ठीक करती है और मेरी स्किन इवन ब्राइटन ग्लोइंग और बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन नरिश रहती थी, मॉइस्चराइज रहती थी, स्मूथ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगेगा आपकी स्किन, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी आपकी. सो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा. और जो इसकी पैकेजिंग जैसे आती है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो इसकी पैकेजिंग की तरफ चलते हैं. सो गाइस, इस सोप की जो आउटर पैकेजिंग है वो ब्राउन पेपर बैग की पैकेजिंग है और जो इसकी फाइनल पैकेजिंग है वो एक ट्रांसपेरेंट पेपर में इसे रैप किया गया है. इसकी पैकेजिंग ऐसी है और इसकी जो बैक साइड है इस सोप की उसमें बहुत सारे केसर हैं और जिसका फ्रंट साइज है वो नॉर्मल है, शियो बटर सोप है. क्योंकि ये मैंने सेकेंड सोप परचेज किया था वहां से. और तो ये इसकी सोप की जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की ही रहती है. और ये उपटन सोप है तो आप इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं बट मैंने इसे यूज नहीं किया है तो इसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती. बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगी मुझे. ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और मैं इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. तो मैं इसे यूज कर लूंगी तो मैं आप लोग के साथ जरूर इसका रिजल्ट शेयर करूंगी. सो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसकी वीडियोस लाऊंगी तो आपको पता चलेगा नहीं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें. और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आपके पास जाएगी. सो गाइज, ये हो गया. तो हम बात कर रही थी शियो बटर सोप के बारे में. तो वो सोप जो है वो स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देता है, स्मूथ, इतना ज्यादा आपकी स्किन लगती है, इतना ज्यादा मॉइस्चराइज रहता है आपकी स्किन, एकदम नरिश कर देता है आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से. और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, इस सोप को जो भी यूज करेगा उसका यही कहना होगा, वो यही कहेगा कि ये सोप बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें केसर और शिया बटर है तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, मॉइस्चराइज, सॉफ्ट हो जाती है और आपकी स्किन में ब्राइटनेस भी होता है, आपकी स्किन इवन लगने लगती है, आपके जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपको हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसमें भी आपको चेंजेस नजर आएंगे. आपके बहुत सारे ऐसे स्किन के प्रॉब्लम्स होंगे जिससे ये दूर कर देगा, आपके स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देता है और आपकी स्किन बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसे देख के आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे.
सो गाइस एक बार ट्राई करना तो जरूर बनता है, मैं इसे ट्राई करके भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखो। को यूज करने के बाद आप दूसरे सोप को यूज करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, चाहे कोई भी फेस वॉश हो आप उसे यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सो एक एट लिस्ट मेरे कहने पे आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस सोप से। और मैं आप लोग के साथ इसके भी रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी जब मैं ये उपटन वाला यूज कर लूंगी, तो आप दोनों में से कोई सा भी सोप परचेज कर सकते हैं। ये 100% होममेड है, ये जो सोप्स हैं वो 100% होममेड है और केमिकल फ्री है, पैराबेंस फ्री है, क्लैरिटी फ्री है और एनिमल टेस्टेड भी नहीं किया गया। सो गाइस अब मैं आप लोगों को ये सोप यूज करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यूज करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आपको नॉर्मल तरीके से फेस को वेट कर लेना है, मैं यहाँ पे स्प्रे बॉटल का यूज कर रही हूँ, चाहे तो आप सोप को भी वेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप फेस को वेट कर लीजिए और सोप को लेके आप जेंटली तरीके से अपनी स्किन पे रब कीजिए, ताकि आपको जहाँ भी सोप लगाने हैं वो इजिली तरीके से लग जाएगा आपकी स्किन पे। और ये अच्छा भी होगा आपके लिए कि आपके हैंड्स उतने ज्यादा गंदे नहीं होंगे। सो गाइस आपको स्किन पे अच्छे से रब करना है, आप चाहें तो अपने नेक में अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं इस सोप को। तो आपको जेंटली तरीके से इसको रब करना है अपनी स्किन पे, और रब करने के बाद आपको फिर से वाटर को डालना है अपने फेस पे और मसाज करना है आपको 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आपकी स्किन पे जो भी डर्ट है, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो रिमूव हो सके, वो निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 मिनट के लिए मसाज करना है अपने फेस पे अच्छे से, और मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। आपको वार्म वाटर का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल कोल्ड वाटर का ही यूज़ करना है आपको, उससे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। देन उसके बाद आपको फर्स्ट यूज़ में ही आपको रिजल्ट आपके सामने होगा और आप देख के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इस सोप को यूज करने के बाद आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो होगा, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज होगी और आपकी स्किन में जो डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो सारे के सारे धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपकी स्किन इवन लगने लगेगी, टैनिंग भी रिमूव होने लगेंगे, आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो दूर होगी। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।